गाइस आज हम बनाएंगे के एफ सी यानी क्रिस्पी फ्राइड चिकन क्रिस्पी विद ए के विच मींस एक्स्ट्रा के क्रंच यस और ये जो के एफ सी है इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा और इसका टेक्सचर काफी ज्यादा मिलता जुलता है समझ गए होंगे आप किसी बात कर रहा हूं? बिल्कुल उसका जब चिकन तैयार होगा बाहर होगा एक बढ़िया सा लाउड क्रंच और अंदर से चिकन होगा जूसी तो शुरू करते हैं एफ सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमें बनाने हैं तीन कोटिंग्स यानी कि तीन डिफरेंट बैटर्स या मैरिनेशन इस चिकन के लिए इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा पेपर इसे इस तरीके से मैरिनेट करके हम एक तरफ रख देंगे 10 से 15 मिनट चिकन के अंदर हम सबसे पहले मैरिनेशन बनाएंगे एक ड्राई इंग्रेडिएंट का है जिसे हम कहते हैं ड्राई डस्टिंग उसके लिए हम लेंगे मैदा नमक थोड़ा सा पेपरिका पाउडर आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा पेपर पाउडर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये है हमारी सिंपल फर्स्ट कोटिंग या फिर फर्स्ट मैरिनेशन सूखा बिल्कुल अब चलते हैं सेकेंड की तरफ एक अंडा इसमें जाएगा सॉल्ट अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर जाना है मैदा और सोडा वो भी रुक कर डालेंगे हैंग ऑन चलते हैं हमारी तीसरी कोटिंग की तरफ तीसरी कोटिंग के अंदर खूब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये है मैदा चुटकी भर नमक वाइट पेपर पाउडर ड्राई जिंजर पाउडर थोड़ा सा ड्राइड गार्लिक पाउडर ये है ज़रा सी लौंग का पाउडर ये है नटमेग यानी कि जयफल का पाउडर ज़रा सा सिनेमन थोड़ा पेपरिका या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर ये है ड्राइड बेसिल ये है औरगैनो और ये है थोड़ी सी ड्राइड थाइम। क्रिस्पी फ्राइड चिकन के अंदर हम ये तीन अलग अलग कोटिंग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कोटिंग है वो एक्स्ट्रा क्रंची हुआ एट द सेम टाइम उसके अंदर फ्लेवर खूब सारा हो होता क्या है कि कई बार हम लोग बैटर के अंदर थोड़ा सा कम फ्लेवर रखते हैं और चिकन को बहुत ज़्यादा स्पाइसी करते हैं इट्स दी अदर वे राउंड वी हैव टू मेक श्योर कि चिकन जूसी हो उसमें मिनिमम हमारा स्पाइस हो लेकिन बाहर की जो कोटिंग हो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हो ये था हमारा फर्स्ट कोटिंग ये सेकेंड कोटिंग जिसे हमें फिनिश करना है और ये थर्ड कोटिंग सेकेंड कोटिंग के अंदर हमने डाला था एग और सॉल्ट अब उसके अंदर जाएगा मैदा और इसके अंदर हम डालेंगे चिल्ड सोडा जस्ट एड ए लिटल देख रहे हैं कैसे इसके अंदर झाग बन गई कढ़ाई में ऑयल गर्म है तैयार है हमें लेना है चिकन का ये बोनलेस पीस। इसे हमें इसमें डालकर यू अच्छे से पैट करना है ताकि सूखा मैदा जो से हमने सीजन किया हुआ है वो अच्छे से इसपे चिपक जाए लाइक like दिस अब ये जाएगा बैटर में और इसमें बैटर से निकालते ही इसे हम डालेंगे हमारे इस फ़ाइनल इस कोटिंग में और इसे अच्छे से यूं दबा दबा के ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है अच्छे से चिपक जाए शेक ऑफ द एक्सेस और ये जाएगा सीधा ऑयल में मेक श्योर sure के ऑयल गर्म हो एट द सेम टाइम काफ़ी हो ताकि ये अच्छे से उसमें डूब जाए अब तैयारी करते हैं बाकी के चिकन की जस्ट लिसन टू दी साउंड एक्स्ट्रा क्रिस्पी एंड एप सल्यूटली जूसी लुक एट दैट जूस इन साइड कूजिंग आउट सुपर क्रंची हो आज कुनाल्स टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम जानेंगे कि जब क्रिस्पी फ्राइड चिकन हम लोग बना रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं चाहे वो चिकन है या वेजिटेरियन है यू हैव टू बी वेरी श्योर कि तेल मीडियम टू हाई हीट पे हो गुनगुने तेल में अगर आप डालेंगे तो कोई भी फ्राइड चीज तेल पी लेगी इस रेसिपी को आप थोड़ा सा इंडियनाइज भी कर सकते हैं कि इसके अंदर इंडियन मसाले डाल सकते हैं गर्म मसाला भी डाल सकते हैं पोटली मसाला भी डाल सकते हैं और हाँ अगर आप वेजिटेरियन है आप सेम डिश में चिकन की जगह पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो सोया चाप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी बढ़िया टेस्ट आएगा चिकन जैसी लगेगी जब आप फ्राई करते हैं कभी भी कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करते अगर ओवर क्राउड करेंगे कढ़ाई का जो तेल का तापमान है वो नीचे आ जाएगा मतलब वही सॉगी ऑयली फ्राइड फूड पिच वी डोंट वॉन्ट वी वॉन्ट क्रिस्पी फ्राइड नॉट सॉगी फ्राइड किसी भी फ्राइड डिश के बैटर को आपने क्रिस्पी करना हो मेक श्योर कि आप सोडा वाटर का इस्तेमाल करें ऐसा सोडा वाटर जिसका तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो मतलब इट हैज़ टू तो बी एब्सोल्युटली चिल्ड। इनफैक्ट अगर आप सोडे की जगह बियर भी डालेंगे वो भी चलेगा बियर बैटर इज अ क्लासिक वो मेरी इन्वेंशन नहीं है ये सदियों से वेस्टर्न वर्ल्ड में बनता आ रहा है चिकन तैयार है इसका हम बनाएंगे एक क्विक डिप एक चिली डिप यह है म्योनीस इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चिली सॉस आप चाहें तो टबैस को भी डाल सकते हैं इट्स एक्सिलेंट चिली सॉस और इसमें जाएगी केचप स्वीटनेस फ्रॉम केचप टार्टनेस एंड स्पाइसीनेस फ्रॉम हॉट सॉस दिस इज रेडी गोइंग टू बी एक्सीट विद चिकन के एफ सी विथ चिली डिप डन ये तैयार है अब एक्स्ट्रा शॉट्स में अगर आपके पास के एफ सी यानी कि क्रिस्पी फ्राइड चिकन बच गया उसका क्या बना सकते हैं well, बहुत बढ़िया सा फ्राइड राइस बन सकता है क्रिस्पी फ्राइड चिकन फ्राइड राइस लेफ्ट ओवर चिकन से फ्राइड राइस बनाने के लिए हम लेंगे ऑयल उसमें डालेंगे जिंजर ग्रीन चिली एंड अनियंस लाइट सौते उसके बाद उसमें जाएगा कैप्सिकम